हे hey दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वीर एंड मम्मा। और आज आपको मैं आलू चाप की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आलू चाप बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन का घोल बना लेते हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है। 1 कप बेसन डाल देंगे। 2 चम्मच के लगभग इसमें चावल का आटा डाल देंगे, इससे पकौड़ियाँ क्रिस्पी बनती हैं। अब इसका हम घोल बना लेते हैं। हल्का हल्का पानी डाल के इसका हम घोल बना लेंगे। घोल इतना ही गाढ़ा रहेगा। हमारा घोल तैयार हो गया। आधी छोटी चम्मच हल्दी डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, ये आधी छोटी चम्मच को मिक्स कर देंगे। थोड़ी सी ये अजवाइन और ये थोड़ी सी बेकिंग सोडा है, ये 2 पिंच है। घोल हमारा थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, इसमें थोड़ी सी और पानी डाल देंगे। अब ये रेडी है घोल। अब इधर हम आलू का मिक्सर तैयार कर लेते हैं। इधर मैंने 3 आलू ले लिए, इसको हम मैश कर लेंगे हाथों से। इधर मैंने आलू मैश कर लिए। अभी मसाले की तरफ चलते हैं। इधर मैंने एक पैन चढ़ा लिया है। अब इसमें हमें 2 चम्मच के लगभग तेल डाल दूंगी। तेल को गर्म होने देते हैं। अब इसमें हम जीरा डाल देंगे थोड़ी सी, ये 2 छोटी चम्मच। मेथी डाल देंगे, फिर हल्दी, ये लाल मिर्च आधी छोटी चम्मच, ये आधी छोटी चम्मच धनिया। देखिए अब इसमें हम आलू डाल देंगे मैश किया हुआ। अब हमने इसमें आलू डाल दिए। डाल देंगे गरम मसाला आधी छोटी चम्मच, हरी धनिया थोड़ी सी। अब हम गैस को बंद कर देंगे। मैंने आलू को टिक्की जैसे शेप दे दिया है। इधर मैंने कढ़ाई को चढ़ा लिया है। कढ़ाई एकदम गर्म हो गई है। अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। करेंगे हमें ऐसे डाल देंगे, ऐसे ही हम सारे मैं ऐसे सारे डाल दूंगी। ऐसे मैं दोनों साइड से इसको पका लूंगी। देखिए आलू की टिक्की मेरी कितनी अच्छे से फूल गई है। अब इसको हम निकाल लेंगे। ये मैंने आलू की टिक्की अब निकाल लिया है। देखिए कितनी अच्छी टिक्की बन के तैयार हुई है। अब ऐसे ही मैंने सारे आलू की टिक्की बना के तैयार कर लूँगी। यहाँ मैंने पकौड़ियाँ निकाल ली हैं बाकी। ये देखिए कितनी अच्छी पकौड़ियाँ बन के तैयार हुई हैं। आपको ये आलू चाप की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।